अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है और उसके साथ साथ ये चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में आ रही है, ऐसे लोग जो यूके में किसी न किसी वीज़े पे आए और किसी वजह से इल्लीगल हो गए, ओवरस्टेयर हो गए, उनका वीज़ा रन आउट हो गया और वो अपने स्टेटस को रेगुलराइज नहीं करवा सके और उनके बैंक अकाउंट यहाँ पे यूके में मौजूद थे, लेकिन स्टेटस ना होने के बावजूद भी वो अपने बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहे थे, उस फैसिलिटी को इंजॉय कर रहे थे। अब होम ऑफिस की तरफ से ये देखने में आ रहा है कि वो बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन जा चुकी हैं, जा रही हैं, जाने वाली हैं कि ऐसे तमाम लोगों का जो स्टेटस है वो चेक किया जाए और जो भी बंदा इल्लीगल होगा, ओवरस्टेयर होगा और उसके पास स्टेटस नहीं होगा यूके में, तो उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो सकते हैं। मतलब अगर आपका स्टेटस यूके में नहीं है और आप अपने बैंक अकाउंट को फिर भी यूज़ कर रहे हैं जो कि यूके में है, बैंक अकाउंट लीगल है लेकिन आप लीगल नहीं हैं और आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो वो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आप उसमें से पैसे नहीं निकलवा सकते। तो ऐसे तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का स्टेटस यहाँ पर नहीं है, या तो वो अपने स्टेटस को रेगुलराइज करवाएँ या वो ये जो एक बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं इसको देखें अब आपने कैसे मैनेज करना है। आप इसे ना यूज़ करें, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपने पैसे फ़ौरन सारे निकलवा रहे हैं, ये फैसला आप लोगों ने खुद करना है, लेकिन ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, एक वार्निंग है आप लोगों के लिए कि अगर आप इल्लीगल होने के बावजूद अपने उन बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो या अपने स्टेटस को फौरी तौर पर रेगुलराइज करवाएँ। कोई ना कोई आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में होनी चाहिए, अगर आपकी होम ऑफिस में एप्लीकेशन पेंडिंग भी है फिर भी आप अपने उस बैंक अकाउंट को अगर फ्रीज हो गया तो पैसे वापस निकलवा सकते हैं। अदरवाइज बैंकों के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उन प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो पैसे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, आपकी आईडीज वगैरह, कुछ लोगों के पास आईडीज भी नहीं होती। तो कट शॉर्ट ये कि आप अपने स्टेटस को रेगुलराइज करवाएं ताकि आपकी जो बाकी बैंक अकाउंट्स वगैरह और कुछ दूसरी सहूलतें जो आप यूके में यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे ही यूज़ करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ आपको पता है हमारी एक सर्विस है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की, अगर आप अपने केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, केस को डिस्कस करना चाहते हैं, बड़ी एक नॉमिनल सी फीस है, वो फीस पे करके आप टेलीफोन पे वीडियो लिंक के जरिए या फेस टू फेस हमारे से अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।